Hi guys, this is me Hajra Vadharia. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So you guys know कि मैं उम्र पे आई हुई थी और अभी हैं हम मक्का में. And this is the first vlog. आज हमारा official day 3 है मक्का में. हम first day आए उस दिन उम्रा किया. फिर कल we were just getting into the routine, you know. और आज हमारा day 3 है. Officially things are getting on routine. ठीक है, बस इस बार थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम ये है बिकॉज वी कुडंट सेट इनटू द रूटीन क्विकली. अदरवाइज एवरी ईयर व्हेन वी कम तो हम खुद ही से सेट हो जाते हैं रूटीन में. बट दिस टाइम वी हैव अ डिफरेंट होटल. हमें अपनी वाली होटल नहीं मिली है और वो थोड़ा पीछे है ये वाली होटल, तो वो बस उस वजह से थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो रहा है. और रश की बिल्कुल आदत नहीं रही. पहले हम लोग रश में रुक जाते थे, अब बिल्कुल आदत नहीं रही. सो वी आर लाइक यू नो struggling sort of. So इस वजह से मेरे vlogs भी थोड़े affect हो रहे थे. And yeah, that's that. But right now, as you can see, we are fully ready and we are going to Haram. और अभी असर की नमाज हो चुकी है और अब मगरिब का time है after more than an hour. So हम इफ्तार और मगरिब की नमाज के लिए हरम जा रहे हैं. So yeah, उसके बाद हम रात को देर से हरम जाते हैं जहाँ पर हम अपनी नमाज दें, कुरान ये सब करते हैं और तवाफ़ का मौका मिल जाता है तो तवाफ़ कर लेते हैं. और अब जो है हम जा रहे हैं मगरिब और इफ्तार के लिए हरम. सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू गाइस लव यू ऑल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू लीव. हियर आर द वदारिया सिस्टर्स. और नेहा जो है नीचे चली गई निमन के साथ, वो वेट कर रही है. सो बस अब हम जा रहे हैं. So guys, this is where the shuttle drops us, और फिर हम यहाँ से चल के चले जाते हैं हरम. बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है, डार्क क्लाउड्स हैं, मे बी इट माइट रेन. सो अभी हम जा रहे हैं जल्दी से इफ्तार के लिए. आई होप हमें अच्छी जगह मिल जाए, फिर हम मिलके सब इफ्तार करते हैं, मगरिब पढ़ के फिर हम होटल आते हैं. बट यू कैन सी द स्काई, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है. सो आप रमज़ान की रौनकें चेक कर सकते हैं, कितना रश है. सब लोग हरम की तरफ जा रहे हैं इफ्तार और मगरिब की नमाज के लिए. एक घंटा है इफ्तार में. एंड लुक एट दिस प्लेस, इट्स जस्ट अमेजिंग. एवरीवेयर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर हियर. बहुत विंडी हो रहा है और अच्छा मौसम हो रहा है. मेरी तबीयत खराब है, बट मौसम अच्छा हो रहा है. क्लाउड्स आर लाइक कि बारिश हो सकती है. लेट्स सी, अल्लाह करे हमें कोई अच्छी जगह मिल जाए सेफ. ओ स्टार्टेड रेनिंग ऑलरेडी. हल्के हल्के शावर स्टार्ट हो गए. वाह, आई रियली होप कि ज़्यादा शोर ना हो बिकॉज पब्लिक होती है तो फिर शोर होता है. वाह, बहुत अच्छी बारिश हो रही. हाय हया, एंजॉयिंग द शावर्स इन मक्का. वाओ, इतने अच्छे शावर्स हैं माशाल्लाह. जबरदस्त बारिश हो रही है. सो ब्यूटिफुल. कितने काले बादल हो रहे हैं और इतनी जोर की आवाज़ें आ रही हैं बादलों की. और मज़ेदार खूबसूरत बारिश हो रही है. ओके गाइस, सो बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो हम अंदर बैठ गए. सो गाइस, इफ्तार में 5 मिनट रह गए हैं और आज हम इधर बैठे हैं बिकॉज बाहर बारिश हो रही थी.
दिस इज क्लॉक टावर और हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं। गाइस इफ्तारी डन हो गई है, मगरिब की नमाज डन हो गई है। अब हम इधर थोड़ी देर मॉल में आए, कुछ थोड़ा बहुत घूमेंगे, खाएंगे, फिर हम जाएंगे होटल और डिनर करेंगे एंड उसके बाद रात में हरम जाएंगे। सो वी आर हियर इन सिनेबन, टेम्पटिंग दिस स्टफ लुक्स। सीरियसली गाइस, हम लोग 3 साल बाद आए हैं और यहाँ का नक्शा बदल चुका है। यहाँ की सारी ब्रांड्स आगे पीछे हो गई हैं, कुछ ब्रांड्स चली गई हैं। मैक एंड H&M इज नो मोर हियर। यहाँ माडो खुल गई है, खुल रही है। ओह गॉड, सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं। खैर, तो अभी हया को कॉफ़ी पीनी है। मेरा अभी कुछ खास दिल नहीं हो रहा कॉफ़ी पीने का, बिकॉज खाना भी नहीं खाया हुआ सही तरह। सिर्फ इफ्तार में थोड़ा बहुत रोज़ा खोला है बस। सो अभी हया कॉफ़ी लेगी, फिर हम जो है थोड़ा सा घूम के यहीं और जाएंगे होटल खाना खाने के लिए। सो गाइस, हया ने कॉफ़ी ले ली है। कॉफ़ी नहीं है, शेक है एक तरह से। दिस हाउ इट लुक्स, मैं ट्राई करती हूँ अभी। बट फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं होटल, बिकॉज यार थक गए हैं और प्रॉपर डिनर करेंगे। अभी सिर्फ रोज़ा ही खोला था। सो लेट्स सी डिनर में क्या है। और अभी इशा की अजान हो जाएगी तो फिर बहुत रश हो जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चले जाते हैं होटल और फिर हम इंशाल्लाह रात में आएंगे हरम में। हाय गाइस, सो वी आर आउट अगेन, वी आर गोइंग टू हरम और फिर हम थोड़ा हरम में बैठेंगे, कुरान वगैरह नमाज वगैरह पढ़ेंगे एंड देन वी कम फॉर सहरी बैक टू होटल। सो हया की तबीयत थोड़ी ऑफ थी, सो शी इज स्लीपिंग। लाबा एंड मी, वी बोथ आर गोइंग। लाबा इज फीलिंग बेटर एंड मम्मा ऑलरेडी हरम पहुंच रही हैं। सो या दैट्स द थिंग। या मे बी इफ़ यू हैव टाइम एंड मे बी विल ट्राई कि हम काबा के पास चले जाएँ और मैं आपको व्लॉग में काबा दिखा दूँ, बिकॉज पिछले व्लॉग में मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वी वर परफॉर्मिंग उमरा एंड मेन फोकस जो था वो इबादत पे था, तो मैंने काबा की बिल्कुल क्लिप ही नहीं ली उस टाइम पे, मैंने फ़ोन ही नहीं निकाला था। सो आई एम थिंकिंग कि मैं इस व्लॉग में आपको काबा ज़रूर दिखाऊँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड देखें, अभी रात के 1 बज रहा है और अभी भी कितना रश है। यू कैन सी काफ़ी पब्लिक अभी भी आना जाना कर रही है। हाँ, इस टाइम पे कम होता है, फिर 2:30 के बाद से वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लोग हरम में आना शुरू हो जाते हैं फजर के लिए। सो गाइस, हियर आई एम शोइंग यू गाइस द मोस्ट beautiful scene, the most beautiful thing and place your eyes can ever see. Mashallah, and you can see the rush and the crowd. It's amazing. Mashallah. हाँ, नहीं नहीं सादा। तो गाइस, अब हम हरम से बाहर आ गए एंड दिस इज़ दिस ब्यूटीफुल। इसको मैं जितना कैप्चर करूँ आई कैन नेवर गेट बोर्ड एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई देख के भी बोर हो सकता है। दिस इज़ जस्ट सच अ ब्यूटीफुल वाइब, ओह माय गॉड। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ, आई वॉन्ट टू ग्रैब दिस कर्ली फ्राइज, दे आर कॉल्ड क्रिस्पी
और ये इतने मज़े के होते हैं, सो आपको यहाँ लेके चलते हैं, दिखाते हैं एंड लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पर है। रश देखें, मतलब द क्राउड इज क्रेजी माशाल्लाह। अभी तक 2 बज गए ना, आपके मजनून है द क्राउड, मजनून क्राउड क्रेजी। गाइस ये आ गए हम मॉल की एंट्रेंस पर एंड अब आपको मैं बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या लोकेशन है उसकी। सालों से ये है व्हेन आई वाज अ यंग किड और जब से हम इसके क्रिस्पी खाते हैं, इसके पास कॉर्न एंड कप होते हैं, स्लश होते हैं एंड दे आर जस्ट अमेजिंग। सो अब आपको मैं लेके चलती हूँ इन अ टाइम लैप्स टू दिस प्लेस। दिस इज़ द स्टॉल जहाँ पर ऑरेंज जूस है, स्लशेज हैं, क्रिस्पी है, कॉर्न इन द कप है, दिस इज़ द इंटायर मेन्यू और ये सालों से है एंड बस अभी जो है 3 साल के बाद हम आए तो इसका ये जो मतलब कैओस जो है वो चेंज हुआ है, द डिज़ाइन ऑफ द कैओस। सो अब बस क्रिस्पी लेते हैं और कॉर्नस अभी नहीं, बाद में खाऊँगी, आई कॉन्ट ईट सो मच टुगेदर। ये हमने क्रिस्पी ले लिए और ये वही अंकल हैं जिनसे हम सालों से ले रहे हैं, सो वो हमें जानते हैं तो उन्होंने हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी डाल के दे दिए। थोड़े से हमसे गिर गए तो उन्होंने और भी एक्स्ट्रा डाल दिए जो गिर गए उसके बदले के भी। सो सो स्वीट ऑफ हिम। वी गॉट 3 लाइबा, खोल के दिखाओ प्लीज, दे लुक सो यंग। ये 4 हो जाएगा ये। हाँ ये तकरीबन हमने 3 लिए मगर उन्होंने 4 के बराबर दिए और उन्होंने केस मंगवा के, मतलब शॉपर मंगवा के उसमें सारे मिक्स करा दिए और इतने एक्स्ट्रा दे दिए, हाउ स्वीट। तो अब हम वापस होटल जा रहे हैं और सैरी का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट, सो हम सैरी करेंगे। दैट इज़ गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडे एंड देन आई सी यू गाइस इन द मॉर्निंग। गाइस हम शटल में बैठे हुए हैं और जैसे ही शटल फुल होती है तो फिर वो होटल तक ड्रॉप कर देती है। सो या welcome back to the next day, we are fully ready and we are right now in the lift and we are going to haram for iftar. aaj thoda late ho gayi hu main, so bas jaldi jaldi bhag ke haram jayenge, fir uske baad iftar ke baad hame ek jagah daawat mein jana hai, so wahan jayenge। so guys hum shuttle mein baith chuke hain aur hum ja rahe hain। so I was telling you guys hame ek daawat mein jana hai, to matlab hum haram mein iftari karenge मगरब की नमाज़ के बाद जो डिनर है वो आज हम दावत में जा रहे हैं। सो हमारे इंडिया के रिलेटिव्स हैं जो यहाँ आए हुए हैं तो उन्होंने हमें अपने होटल पे डिनर के लिए बुलाया। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज और वहाँ जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं हरम। सो दिस इज़ आवर शटल राइड एज विद मी लाइबा एमल मामा, सब जा चुके हैं बिकॉज हम लेट हो गए थे और फिर हया भी मेरा बेचारी वेट कर रही है। लेट्स गो। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गिरा हरम और हम लोग यहाँ खड़े हैं बिकॉज कहीं पे जगह नहीं होती बैठने के लिए। मक्का इज़ मतलब मक्के के हरम में बहुत ज़्यादा कैओटिक होता है और कहीं आपको जगह नहीं मिलती बैठने की। तो जैसे अजान का टाइम करीब आएगा तो हम यहीं पे बैठ जाएंगे यहाँ पर, फिर मना नहीं करते लेकिन अभी बैठने नहीं देते। सो हम दावत में आ चुके हैं और यहाँ है इंडियन बुफे। सो अब देखते हैं क्या खाना है, कैसा खाना है, लेट्स। हाय गाइस, सो वी आर बैक और हम डिनर के बाद आ गए थे होटल पे वापस, फिर हमने रेस्ट किया। अब रात के 12:30 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं हरम।
वहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ेंगे और फिर हम लोग जाएंगे थोड़ा बहुत घूमने के लिए मॉल में, खाने पीने कुछ। सब लोग इसका मसला सुन लें जरा। गाइस मुझे लिफ्ट में बैठने की, लिफ्ट में जाके कान नहीं बंद हो जाते। ये इनके मसले हैं थोड़े से। लाइक द वीडियो इफ एवर हैपेंस टू यू। ओके, सो शटल इज हियर और हम शटल में जा रहे हैं नीचे। ये थोड़ा नीचे तक छोड़ देती है, देन वी वॉक टू हरम। सो गाइस हमारा रोज का रूट है और अब जा रहे हैं हरम। सो वी आर इन द मॉल नाउ और यहाँ हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखने के लिए आए हुए थे। अब सोच रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, कुछ खा लें, कॉफ़ी शॉफी पी लें, लेट्स सी। सो गाइस वी आर हियर इन अब्रॉज सुपरमार्केट। दिस वन्स ह्यूज, बिगर देन बिंदाउद एंड इट्स सो ह्यूज। खैर तो मैं सबसे पहले, मुझे भूख बहुत लग रही है, सबसे पहले आई एम गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट माई सेल्फ अ बाउंटी आइसक्रीम दैट आई लव। सो लेट्स सी। ओ माई गॉड यू गाइस, ये क्या है? ये बारिश है, ये धुंध है, क्या है समझ नहीं आ रहा। बहुत ही क्रेजी सीन है ये। ओ माई गॉड, guys, so today is officially last day here in Makkah. फिर सुबह हम मदीना चले जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे ईद के बाद मक्का इंशाल्लाह। सो बट आज लास्ट डे है, लास्ट इफ्तार है मक्का की और रात में लास्ट सहरी होगी। वी आर गोइंग टू हरम राइट नाउ। सो अभी देखते हैं शटल और उसमें बैठ के फिर हम जाएंगे हरम। लेट्स गो। हेलो गाइस, सो आई एम बैक और अभी हम वापस जा रहे हैं हरम। दिस इज व्हाट वी डू। सो अभी बज रहे हैं रात का एक और हम जा रहे हैं हरम। इफ्तार के बाद हम घर आ जाते हैं, डिनर करते हैं और फिर रात में अब इस टाइम वापस जाते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस अभी हम होटल पे आए हैं और सैरी के लिए आया है पिज़्ज़ा। ये लेट्स एंजॉय। सो गाइस हम लोग सैरी कर चुके हैं और अब सब सोएंगे, पैकिंग वगैरह करके, बिकॉज हमें सुबह जाना है मदीना। सो आई एम गोइंग टू बी एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉयड विद मी। We are making some great, great memories and I really hope you guys are enjoying along with me. And if you like the vlog, please don't forget to like, comment, share and subscribe and I'll see you with the next vlog and that's going to be exciting because we are going to Medina. So till then, take care, love you all, bye bye.